हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। योग पट्टी जो नीचे बेल्ट वाली ब्लाउज होती है वो वाली ब्लाउज कटिंग बताने वाली हूँ। और मैं आपको इस पर, ये हमारा मैंने कैलेंडर लिया हुआ है, इस पर मैं आपको कटिंग बताऊँगी। तो आप इस पर ड्रॉ करके और कटिंग करके इसे रख सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़े। और इस पर आप कटिंग करके रख दोगे तो आपको केवल कपड़े पर कटिंग, इसको रखकर और कपड़े पर कटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर देना। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, मैंने ये दो कैलेंडर लिए हुए हैं, एक में से आगे के पल्ला काटूंगी, एक में से पीछे वाला। तो आपको अच्छे से सेट करके इसमें रख लेना है ऐसे करके। तो ये आगे का पार्ट जो है बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो आप आलपिन से भी सेट कर सकते हो अगर ये हिलने डुलने का ज़्यादा डर हो तो लोगों को। देखिए, मैं इसे ऐसे करके सेट कर लेती हूँ ताकि ये दोनों जो पल्ले हैं हमारे वो हिलेंगे नहीं, अच्छे से सेट हो जाएंगे इससे। तो आपको दो चार जगह ऐसे ही लगा लेना है। और मैं आप लोगों को क्लास बाई क्लास सिलाई सिखा रही हूँ, तो आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जरूर वॉच करना। तो देखिए, मैंने ये सेट कर लिया चार पिन लगाकर। और अब मैं इसमें कटिंग बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होती है। तो लंबाई हमारी 13.5 इंच है, और तो हमारी लंबाई 13.5 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। पहले यहाँ से हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाए ऐसे करके। अब देखिए, ये जो लाइन हमने खींची हुई है यहाँ से सीधी, यहाँ से ये कट हो जाएगा। यहाँ से हम नापेंगे 14.5 इंच पर, क्योंकि 13.5 इंच हमारी फुल लंबाई है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। तो 14.5 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया है। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और आपको अगर टफ लगे तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो कहीं से भी। अब देखिए, सबसे पहले अब हम शोल्डर को नापते हैं। शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, आप मेजरमेंट भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो हमारा शोल्डर 14.5 इंच है, तो 14.5 का हम आधा कर लेंगे सबसे पहले। तो 7.25 इंच हो जाएगा, 7.25 का निशान लगाएंगे हम पहले ऐसे करके। अब देखिए, हमारा जो गला है पीछे का, आगे का गला 6.5 है, पीछे का गला हमारा 10 इंच है। तो अगर हमारा, मैंने आपको बताया कि हमारा शोल्डर कितना भी हो और अगर हमारा गला पीछे का 10 इंच का है तो हमें उसमें से सीधा सीधा 2.25 इंच कम कर देना है। 2.25 इंच हमें कम कर देना है बिना डरे। तो अब देखिए, यहाँ से हमारे ये कितना हो जाता है 5 इंच, ये शोल्डर केवल 5 इंच बचता है। तो हमें यहाँ से करीब 6.25 इंच पर रख देना है, यहाँ से 0.25 इंच एक्स्ट्रा ये। और ऊपर से ये आर्म होल की जो यहाँ से यहाँ तक की जो होती है चौड़ाई वो, और यहाँ से हम आर्म होल को 6 इंच पर ऊपर से रख देंगे। तो इस लाइन को हम सीधा खींच देंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है 6 इंच का ये। अब देखिए, हम इस लाइन को भी ऐसे करके सीधा ड्रॉ कर देंगे। और अब देखिए, हम फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। हमारी देखिए चेस्ट हमारी 37 इंच है, तो 37 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे, तो 9.25 हो जाएगा। 9.25 पर हम निशान लगा देंगे, 9.25 पर हमने निशान लगा दिया। और इसमें हम अब गोल सेप दे देंगे, तो हमें ज़्यादा गहरा नहीं देना है गोल सेप। ये देखिए, ऐसे करके हमें गोल सेप दे देनी है इसमें राउंड से। और ये देखिए, ज़्यादा नहीं है, करीब 1 इंच से केवल 1 पॉइंट ज़्यादा है, 1.25 इंच का दे सकते हो आप ये राउंड, और ज़्यादा नहीं देना है आपको। अब देखिए, कमर की साइड में चलते हैं। कमर हमारी है 32 इंच, तो 32 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे, तो 8 इंच हो गया। तो 8 इंच में हम 1.5 इंच टक्स के लिए लेंगे। तो ये 9.5 पर हम ये निशान लगा देंगे। अब 2 इंच हम मार्जिन के लिए रख देंगे, ये 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए हो गया।
इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब चलिए हम गले पर चलते हैं। तो गला हमारा पीछे का 10 इंच का है, 10 इंच का, तो हम 10 इंच पर निशान लगा देंगे सीधा ऐसे करके। और यहाँ से हम देखें ये वाली नेक बेड़त हम लेंगे 2.5 इंच की ये वाली, और इस जो हमारा निशान है 10 इंच वाला उसे हम मिला देंगे ऐसे करके। ये हमने मिला दिया, अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। आप जो भी शेप देना चाहो आप वो दे सकते हो ऐसे करके। तो ये हमारी शेप हो चुकी है। अब देखिए हम टक्स का निशान लगा देते हैं इसमें। 4 इंच की दूरी पर हम टक्स लगाएंगे यहाँ से, और 1.5 इंच का हमने टक्स के लिए लिया हुआ था, तो 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, ये हमारा टक्स का निशान हो जाएगा। तो हम इसको सीधा टक्स कर देंगे ऐसे करके। तो ये हमें 4 इंच की लंबाई में लेना है टक्स यहाँ तक, और इसको हम ऐसे करके सेट कर देंगे। तो ये हमारा पीछे का जो हिस्से की कटिंग है, मार्जिन है, वो लग चुका है। अब देखिए हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको हम जो नीचे वाला हमारा पल्ला है इसको हम थोड़ा सा नीचे करके खिसका के लगा देते हैं। यहाँ से हम इसे ऐसे करके लगाएंगे, इसे नीचे रहने देंगे क्योंकि इसमें हमें बेल्ट वगैरह भी निकालनी है इसीलिए। तो मैं इसे ऊपर की साइड में, यहाँ से ये आ जाए लंबाई, ये आपको ये देख लेनी है, तो मैं इसे सेट कर देती हूँ फिर से। तो देखिए मैंने इसको फिर से सेट कर दिया है बिना, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए हमें सबसे पहले ऊपर की कटिंग कर देनी है यहाँ से। अब देखिए ऊपर की कटिंग करने के बाद में हमें ये आर्मोल की कटिंग कर देनी है। हमें इसकी लंबाई में कटिंग नहीं करनी है अभी, लंबाई की कटिंग हम ऊपर के हिस्से की करेंगे केवल, नीचे के हिस्से की हम अभी टक्स वगैरह नाप कर लगा कर जब कटिंग करेंगे लंबाई में से। ये हो गई कटिंग। अब देखिए अब यहाँ से भी मैं इसे कट कर दूंगी सीधा। अब देखिए जो हमारे यहाँ से जो गले की बढ़त है यहाँ पे मैं कट लगा देते हैं हम, ताकि हमें दोनों पार्टों की पता चल सके कहाँ पर हमारी फिटिंग वाला निशान है कहाँ पर हमारा। तो ये ही हम लगाएंगे अभी दो, ऊपर वाले पार्ट को हम अब निकाल देते हैं इसको। तो अब देखिए आ गई अब आगे के पार्ट की बारी। तो अब देखिए हमारा बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। बस्ट है हमारा 10 इंच का, तो हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 10.5 इंच पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब देखिए बेल्ट है हमारी 12 इंच पर, 12 इंच की हमारी बेल्ट है, तो हम 13 इंच का निशान लगाएंगे बेल्ट का भी, एक यहाँ और एक यहाँ, और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे दोनों को। तो देखिए ये लाइन को हमने सीधा ड्रॉ कर दिया है। अभी देखिए हमें आर्मोल को भी हल्का सा शेप देना है पीछे की साइड में। देखिए ये हमारी लाइन यहाँ पर है वैसे, तो हमें हल्का सा इस लाइन से 1/2 इंच पीछे कर देना है, 1/2 इंच, ज़्यादा नहीं, ऐसे करके हो जाएगा ये। अब हमें हल्की सी शेप इसमें और लगा देनी है ये ऐसे करके। इसे हम कट कर देंगे, करीब 1/2 इंच करीब निकल जाएगा ये बीच में से। वैसे करके अब देखिए अब यहाँ से हमें
ये जो हमारी बेल्ट आएगी यहाँ से हमें 1 इंच का ऐसे तिरछा निशान लगाना है 1 इंच का। अब यहाँ से हमें ये निशान लगाना है 3.5 इंच का, और ये हमारा हमने 1.5 इंच टक्स के लिए यहाँ पे छोड़ा था, तो 1.5 इंच के हिसाब से हमें 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, तो हमारा ये 1.5 इंच का टोटल टक्स हो जाएगा। और हम इस टक्स को अब सीधा कर देंगे ऐसे करके, तो मैं ये 1.5 इंच जितना हमने टक्स के लिए छोड़ा उतना ही हमें दबाना है टक्स के लिए। अगर आप ज़्यादा या कम दबा दोगे, तो अगर कम दबा दोगे तो आपकी कमर लूज हो जाएगी, और ज़्यादा दबा दोगे तो टाइट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमें करीब 1.25 इंच की दूरी पर ये टक्स लगाना है, और इधर से भी हमें ये वाला 1.25 इंच की दूरी पर लगाना है, और ये वाला टक्स हमें करीब 3 इंच की दूरी पर लगाना है ऐसे करके। तो हम इन टक्सों को तिरछा कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हो तिरछा। तो ये हमें 1/2 इंच का लेना है, और ये वाला भी हमें 1/2 इंच करीब का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और ये वाला टक्स हम 1 इंच का ले सकते हैं, तो देखिए स्केल की सहायता से मैं इसको नाप लेती हूँ। तो ये मेरा स्केल 1 इंच का ही है, तो ये हमारे टक्स हो गए हैं 1, 2, 3, 4। तो अब देखिए बेल्ट की भी शेप दे दूंगी ऐसे करके मैं, ऐसे करके, और गले का निशान लगा देते हैं हम 6.5 इंच का यहाँ से, 6.5 इंच का इसको हम सीधा कर देंगे। ऐसे करके इसमें हम थोड़ा सा राउंड शेप या कोई भी शेप दे सकते हो आप ऐसे करके। अब मैं इसे कट कर देती हूँ, ये हमारा कट हो गया। अब देखिए मैं बेल्ट निकालूंगी, तो देखिए हमें पीछे वाला पार्ट लेना है और आगे वाला पार्ट ऐसे करके रखना है ऊपर, और इसको हमें बराबर यहाँ पर रखना है, और जो हमारा कमर वाला निशान है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर इसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, जितना हमारा टक्स है बड़ा उतना मैं ऊपर से बराबर रखना। अब हम नीचे की बेल्ट को नापेंगे कितनी लंबी आएगी हमारी बेल्ट, तो देखिए 2.5 इंच ये बेल्ट है और 1 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, 3.5 इंच हो गई टोटल। तो 3.5 इंच की हमें बेल्ट लेनी है चौड़ाई में करीब, तो हमें उस 3.5 इंच और नीचे हमें फोल्ड करना होता है अस्तर वाले ब्लाउज में नीचे की साइड में, तो हम 1.5 इंच उसके लिए ले लेते हैं 3.5, और 5 इंच पर हम बेल्ट ले लेते हैं 5 इंच, 5.5 भी ले सकते हो बाद में अगर कट करने की आप में गुंजाइश हो तो, वैसे 5 इंच बहुत रहेगी। अब देखिए अब हमारी कमर थी, कमर हमारी कितनी है 32, तो 1/4 हिस्सा और 2 इंच मार्जिन के लिए 2.5 इंच कर लेते हैं, इस लाइन को हम सीधा ड्रा कर देंगे। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं बेल्ट की भी। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया ऐसे करके, यहाँ पर निशान लगाओ, यहाँ पर निशान लगाओ, यहाँ पर निशान लगाओ, और हमारा ऐसे करके सीधी लाइन खींच दो। ऐसे ही मैं यहाँ पर टक्सों के निशान लगा देती हूँ, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी होगी। अगर हम बाद में कपड़े पर से कटिंग करेंगे तो हमें केवल बीच में पॉइंटों पर निशान लगाना है, और यहाँ कॉर्नर पर निशान लगाना है, और सीधा फिर स्केल की सहायता से या किसी सहायता से इसे सीधा खींच सकते हो, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे करके मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने कट के निशान भी लगा दिए, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे करके आपको कट लगा देने हैं, आपको गला कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। अगर आप गला इसमें से कट करके रख दोगे तो आप पर ये कपड़ा जो है रखने में तिरछा भी हो सकता है अगर आप, तो आपको देखिए कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो देखिए आपको कैसे निशान लगाने हैं, जैसे कि हमारा ये नीचे वाला कपड़ा है, इसको आपको ऐसे सीधा लाइन पर रख लेना है ऐसे करके। अगर आप
इसको गले को कट कर दोगे तो आप पर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ऐसे करके हल्का बहुत, अगर आप कट नहीं करोगे तो नहीं होगा। अब देखिए हमें इसको सेट करके अच्छे से आप पिनअप भी कर सकते हो अगर आप पर ज़्यादा हिले डुले तो देखिए एक निशान यहाँ लगाया और इसको हम ऐसे करके देखिए यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ, तो ऐसे करके हम सारे निशान इसे हम बराबर कर देंगे ऐसे करके, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। देखिए कितनी आसानी से कटेगा, अभी आप देखना ध्यान से देखना थोड़ा सा, तो आपको जहाँ जहाँ हमारे निशान है वो वहाँ पर लगा देना है, हिलना नहीं चाहिए, पर ऊपर का जो हिस्सा है आपको पिनअप कर देना है, किसी भी चीज़ से दबा लेना है या फिर देखना। एक मिनट में छपा कर आपको दिखाती हूँ, आप किसी भी पेंसिल की सहायता से, किसी की भी सहायता से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए ये हमारे ड्रॉ हो गए। अब देखिए ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, आप थोड़े बड़े भी छेद कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए ये वाला जो टक्स है, आपको जब रियल में करोगे तो ज़्यादा साफ दिखेगा, तो ये वाला बन गया देखिए यहीं की। अब देखिए ये वाला जो टक्स है हमारा, तो यहाँ जहाँ जो पॉइंट है वहाँ का हमें ध्यान रखना है और ऐसे करके हमें ऐसे करके लगा देने, और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमें यहाँ पर मिला देना है, ये दोनों लाइन आ रही हैं ऐसे करके, और ये हमारी देखिए फिटिंग का नाप पूरा है। तो देखिए सारे नाप हमें एक मिनट में, एक मिनट भी नहीं लगा है हमारी ब्लाउज की नाप डालने में, आप देख सकते हो। आप इसमें से गोल सेप ले सकते हो आसानी से, फटाफट उठ जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।